ट्रंप ने अमेरिका में शांति पाठ करवाया, आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, क्लिप दिखा दूंगा पूरी, एक दो मिनट की क्लिप है, उन पुजारी जी ने संस्कृत में किया और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया। शांति पाठ कहीं से पर्टिकुलरली किसी रिलीजन को टारगेट करते हुए नहीं होता है कि हाँ सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के नाम है वगैरह वगैरह, वो एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस कह सकते हैं, और जो फोर्सेस हमसे नाराज़ हैं उनको शांत करने के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो यही होता है। तो उनको आप उसकी लाइनें भी सुनेंगे तो आपको यही समझ में आएगा। लेकिन जब वहाँ पे हो रहा था, यहाँ कुछ लोगों की जल गई थी, तो वो जलन डिबेट में नजर आ गई। पुजारी हरेश ब्रह्मभट्ट, thank you, Mr. President. In these troubled times of COVID-19, social distancing and the lockdown, it's not unusual for people to feel anxious or not at peace. The Shanti Path or the Peace Prayer is a prayer that does not seek worldly riches, success, fame, nor is it a prayer for any desire for heaven. It is a beautiful Hindu prayer for peace, Shanti. It's a Vedic prayer derived from the Yajurved. And the prayer goes, Om Dyo Shanti Rantariksha Gvam Shanti Pruthvi Shanti Rapah Shanti Roshadaya Shanti Vanash Pataya Shanti Vishwe Deva Shanti Brahma Swargam Shanti Shanti Reva Shanti Shama Shanti Om Shanti Shanti Shanti. The prayer translates into, Onto the heavens be peace, onto the sky and earth be peace, peace be onto the water, onto the herbs and trees be peace, onto all the crops be peace, onto Brahma and onto all be peace, and may we realize that peace. Om peace, peace, peace. Thank you. Okay, see you again. संबित पात्रा ने लाइव डेमो दे दिया जब उन्होंने खुद शुरुआत में शांति पाठ की कुछ लाइनें बोली, और एक मुस्लिम बैठे थे तो उन्होंने ईयरफोन निकाल लिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया और आपके ऐसा करने से दूसरे जो हिंदू गुरु जो बैठे थे उनकी भावना को तकलीफ हुई कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम आर्टिकल 25 का पालन कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और ये मुझे हक है। तो लीगली बात जायज़ है उनकी, कर सकते हैं। फिर जब हम करना चाहते हैं कि दिन में 5 बार जब आपकी अजान बजती है तो हम भी नहीं सुनना चाहते हैं, और हमने कह दिया बस इतना ही कि अजान मत बंद करिए, लाउड स्पीकर निकाल दीजिए, लेकिन आपको वो सांप्रदायिक लगता है। पुलिस वाले डरते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पुलिस वाले डरते हैं कि हम हटवा देंगे तो दंगे हो जाएंगे। वो इसलिए नहीं डरते कि दंगे हो जाएंगे, वो इसलिए डरते हैं कि उनके देश की प्रॉपर्टी नुकसान होगी, उनके देश के लोगों को आहत पहुँचेगा, कई जाने जा सकती हैं। और अगर एक बार पुलिस ऑर्डर हो जाए स्ट्रिक्टली कि स्पीकर हटवाओ, उखाड़ के फेंको, दंगा हो तो सूटेड साइड मार दो सीधा, जो होगा देखा जाएगा। तो पुलिस कंट्रोल करना चाहे पूरे देश के एक एक मस्जिद से लाउड स्पीकर हटवा दे, अजान करनी है अपने अंदर करो, अपने आप तक रखो। तुम्हारे जमाने जब अजान इन्वेंट हुई थी तब लाउड स्पीकर नहीं था, यही चीज़ मंदिरों पर भी लागू होती है, वहाँ से भी लाउड स्पीकर हटवा दो, कोई समस्या नहीं है। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा मतलब प्रैक्टिस करने का एक ऐसा तरीका है जो नहीं होना चाहिए, सबकी शांति भंग करता है एक तरीके से। तुम हटाओ कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं कहा था, मंदिर के लिए भी कहा था। दूसरी चीज़ ये कि हम चाहें तो आर्टिकल का हवाला देकर नहीं बच सकते, क्योंकि हम पे सांप्रदायिक होने का आरोप लग जाएगा। लेकिन आपने तुरंत उसी वक्त अगले को डिसरिस्पेक्ट भी किया, जलील भी किया और निकाल भी दिया, उसके बाद आप भाईचारे के बाद अगली लाइन से शुरू कर देते हैं। लेकिन आपका पाखंड तो यहीं सामने आ गया, पूरी दुनिया देख रही है। मैं वो क्लिप अगर डाल दूंगा, अगर अमीश देवगन की डिबेट से अपलोड हो गई हो तो मैं डाल दूंगा, लेकिन अब सुबह की डिबेट है, पता नहीं अभी तक अपलोड हुई होगी कि नहीं होगी। दुनिया का सबसे ताकतवर देश आज की डेट में अमेरिका ही है, और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रेसिडेंट ने शांति पाठ करवाया बाकायदा, संस्कृत और इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर सुना। तो कहीं ना कहीं हमारा रिच कल्चर अपने आप ही स्प्रेड हो रहा है, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। और आपको ये तकलीफ है कि आपके नाम से भी लोग डरते हैं। कई वीडियोज़ मैंने देखी हैं कि आप कहीं अल्लाह ऊपर बोल देते हैं, जब सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट हो रहा था, लोग आतंकवादी समझ के भाग जाते हैं, इतना खौफ है मन में।
तो अगर आप अपनी इमेज नहीं सुधारना चाहते तो आप अगले को डिसरिस्पेक्ट भी मत करिए। रही बात अजान नमाज लाउड स्पीकर, अगर आर्टिकल 25 का पालन इतना ही करना है तो सबको करना चाहिए। अगर आर्टिकल जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पालन करना है तो काउ स्लॉटर भी बैन है, खाना छोड़ दो। तुम खाते तभी हो, तुम्हें जानबूझ के खाना है ताकि तुम हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाए, वरना दुनिया की लगभग बाकी इस्लामिक कंट्रीज में इतना विलिंगली नहीं खाते। वो बस सिंपल एक हिस्सा है, मन है तो खाते हैं, नहीं मन है तो नहीं खाते हैं। लेकिन यहाँ जानबूझ के तुम फोर्स करते हो कि हम खाएंगे ही खाएंगे, इसलिए अगले को जितना हो सके ठेस पहुँचाएंगे ही पहुँचाएंगे। यही चीज़ अगर किसी इस्लामिक कंट्री में कोई हिंदू कर रहा होता कि उनकी आस्था को ठेस पहुँचे, वो कट चुका होता अब तक। तुम खुशी मनाओ कि तुम यहाँ रह के ये सब चीज़ें कर पा रहे हो। बाकी मैं नॉर्मल जनता में चाहता हूँ कि अगर अपना आप प्रतिक्रिया आप कमेंट में दीजिए, मैं चाहता हूँ कि सुनूँ कि किसको क्या समझ में आया। और अगर कोई मुसलमान देख रहा हो तो भी मुझे बताए कि जो उस प्रवक्ता ने किया ईयरफोन निकाल के, सही था गलत था, तुम्हें क्या लगता है। खैर मुझे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो जल रहे हैं आप ये वीडियो, मेरी वीडियो या जो वीडियो, शेयर करके उनकी और जलाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को जितना ज़्यादा जरूरत है लाइक करिए ताकि स्प्रेड हो, अच्छे तक पहुँचे। जिसकी जलनी है उसकी जले, जिसको फेस करना है कि रियलिटी क्या है। हिंदुओं ने ठेका नहीं ले रखा है कि सारा सेक्युलरिज्म हम ही शो करें, हमेशा वक्त आ गया है कि चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है, तो अच्छे से फॉलो किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।